दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम लेकर आए सोयाबीन और काले चने की सब्जी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही फायदेमंद होती है शुगर वाले भाई बहनों के लिए। कई बार क्या होता है, शुगर वाले भाई बहन या कोई भी सोयाबीन की सब्जी नहीं खाते, क्योंकि क्या होता है वो खड़ी खड़ी रह जाती है। इसलिए आज हम ऐसे बनाएंगे एक अलग तरीके से, जिससे अच्छे से मिक्स हो सके, अच्छी तरह से ये गल सके। ऐसे बनाएंगे, कई बार खड़ी खड़ी रह जाती है इसलिए खाने में अच्छी नहीं लगती। आज हम अच्छी तरह से गला कर बनाएंगे। और आज हम कौन से तेल का इस्तेमाल करेंगे यह भी बताएंगे। सोयाबीन की सब्जी में हम कौन सा तेल डालेंगे। और शुगर वाले तमाम भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को। अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है, इसलिए अपने खान पान का खास तौर पर ध्यान रखें। अब सोयाबीन और काले चने की सब्जी बनाते हैं, और इसके लिए क्या क्या चाहिए जान लेते हैं। ये देखिए, एक कटोरी सोयाबीन और काले चने, एक कटोरी, दोनों चीज़ हमने 12 घंटे पहले भिगो कर रखी है। रात को इसको भिगो देना है। ये देखिए हमने भिगो कर रखी है, और ये देखिए ऐसे फूल जाती है। एक बारीक कटी प्याज, ये एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने बना कर रखा हुआ है, ये कड़ी पत्ता, ये हींग, और ये नमक, ये मिर्ची पाउडर, ये हल्दी पाउडर, और ये साबुत जीरा, ये अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर इसलिए डालते हैं ताकि इसका टेस्ट थोड़ा और बढ़ सके, क्योंकि हम टमाटर का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, लेकिन देसी टमाटर का करते हैं। कई बार क्या होता है, देसी टमाटर बिल्कुल नहीं मिलता, तो इसलिए हम अमचूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर चाहे अमचूर मत डालिए, ऐसे ही बनाइए, क्योंकि मेरे कई भाई बहनों ने पूछा है कि आप टमाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। आज हम वही बता रहे हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि देसी टमाटर बहुत मुश्किल मिलता है। देसी टमाटर की हर किसी को पहचान नहीं होती। देसी टमाटर लेने जाते हैं, दुकानों वाला वैसे ही टमाटर उठा कर दे देता है, देसी बता देता है, लेकिन देसी टमाटर की पहचान यह है, वह छोटा होता है और खाने में बिल्कुल खट्टा होता है। जब भी आप टमाटर लेने जाएं, देसी टमाटर खाकर देखें, अगर बिल्कुल खट्टा है तो देसी टमाटर है, नहीं तो हाईब्रिड है। और यह खाने वाला सोडा, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा उबालते समय चने और सोयाबीन में डाल देंगे, इससे यह अच्छे से बिल्कुल नरम हो जाती है। अब बात आती है तेल की। तेल की हमने पहले वीडियो डाली हुई है, ये देखिए आज हम तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे, और पूरा महीना तिल का तेल ही इस्तेमाल करेंगे। पिछले महीने हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया था, अब एक महीना पूरा तिल का तेल इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं और एक कुकर रखते हैं, और कुकर में हम पानी डालते हैं। पानी इतना ही डालना जिसमें सोयाबीन अच्छे से डूब सके, सोयाबीन और ये चने। अब इसमें हम ये सोयाबीन डाल देते हैं, देखिए भिगो कर हमने धोकर रखी हुई है, ये सारी डाल देनी है। अभी देखिए सोयाबीन डालने के बाद चने और सोयाबीन, अब इसके बाद हम इसमें नमक डालते हैं, ये देखिए आधा चम्मच नमक डालते हैं, और ये खाने वाला सोडा, ये देखिए एक चम्मच का चौथाई हिस्सा डालना है। ये इसलिए डाल रहे ताकि सोयाबीन खड़ी ना रहे, क्योंकि खड़ी रह जाती है। अब हम कुकर बंद कर देते हैं, उसमें 4 सीटी लगवाते हैं, उसका प्रेशर बिल्कुल नहीं निकालेंगे, 4 सीटी लगवानी है। और कुकर का इस्तेमाल हम वीडियो में ही करते हैं, क्योंकि ये जल्दी बन जाती है। जब भी हम अपने घर में खाना बनाते हैं, हम हांडी का प्रयोग करते हैं और मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं। ये तो वीडियो के लिए कुकर रख देते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, हांडी में बनाते हैं, अच्छी बनती है शुगर वालों के लिए। वैसे तो शुगर वाले भाई बहनों के लिए मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाना चाहिए।
अभी देखे चार सीटी के बाद कुकर गैस से उतार लेते हैं और उस पर कढ़ाई रखते हैं, इसका प्रेशर निकलने देते हैं, अपने आप ऐसे ही निकलने देते हैं। अभी देखिए कढ़ाई में हम तेल डालते हैं, तिल का तेल एक छोटा चम्मच डालना है, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसमें जीरा डालते हैं, आधा छोटा चम्मच जीरा डालते हैं। अब हम इसमें हींग डालते हैं, ये देखिए एक चुटकी हींग डालनी है। हींग डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, अब इसके बाद डालते हैं कड़ी पत्ता, चार पांच पत्ते डाल देते हैं। अब डालते हैं बारीक कटी हुई प्याज, इसको हल्का ब्राउन कर लेते हैं, तब तक हमारे कुकर का प्रेशर भी निकल जाता है। ये देखिए हमारे मसाले का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, और ये देखिए इधर हमारे कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है। अब हम ये दाल लेते हैं, ये देखिए अलग बर्तन लेते हैं और इसको जाली के साथ ऐसे निकाल लेते हैं। ये देखिए अच्छे से एकदम नरम हो चुकी है, एकदम गल चुकी है, अब इसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए निकालने के बाद सोयाबीन अच्छे से, ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, एकदम नरम हो जाती है। अब हम इसको हल्का सा से इसे हल्का हल्का से दबा देते हैं ताकि अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए हल्का हल्का ऐसे दबाने के बाद ये देखिए थोड़ी मिक्स हो चुकी है, देखिए तब तक हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालते हैं आधा चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच डालते अमचूर पाउडर, अब इसके बाद ये देखिए दाल डालते सोयाबीन और चने। आधा चम्मच पिसा धनिया डालते और आधा चम्मच गरम मसाला, अब मिर्ची पाउडर डालते, ये देखिए आधा चम्मच डालना है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें हम पानी डालते हैं, वही पानी डालना जिसमें हमने इसको उबाल कर रखा हुआ। अब हम इसमें वही पानी डालते हैं, ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, हमने नमक पहले डाल कर रखा हुआ है इसलिए बिल्कुल थोड़ा डालना अगर आपको लगता है कि कम है। और ये देखिए अगर आप इस तरह से सोयाबीन और काले चने की सब्जी बनाते हैं बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब इसको 2 मिनट के लिए और पकाते हैं। अभी देखिए 2 मिनट के बाद हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट। अब हम गैस बंद कर देते हैं, उसको गैस से उतार लेते हैं। ये देखिए परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ऐसे ही देखना आपको अच्छा स्वाद आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।